रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण के बारे में समझते हैं। और ये जो उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिखेगा ये बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th साइंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कहने का मतलब है साइंस में अक्सर ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। यहाँ देखिए हमारे जैसे थर्ड पॉइंट है, थर्ड एग्जाम्पल्स है, दूध का खट्टा होना। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार पूछ लिया जाए कि दूध का खट्टा होना कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है ये आप लोग रासायनिक परिवर्तन के डिफिनेशन में मैंने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा दिया है, क्लियर है। अब देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अगर दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध थोड़ी ना बनेगा, यही मैंने डिफिनेशन में अच्छे प्रकार से बताया है, ठीक, कि कैसा कैसे जो है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की पहचान होती है। तो यहाँ देखिए थर्ड और सिक्स जो एग्जाम्पल्स है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पहुँचता है, ठीक। तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए सातवां है, दही में से दुर्गंध आना तथा दही का स्वाद खराब हो जाना कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन है। दही में से दुर्गंध आना रासायनिक परिवर्तन है तथा दही का स्वाद खराब हो जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है आठवां है, जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशोषों का सड़ना या गलना ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन है, क्लियर। अब यानी कि टेंथ है यानी कि दसवां है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक, जंग लगना ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। यहाँ पर देखिए जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, तो आप इसको याद कर लीजिए, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्लियर है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी यानी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, बट ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर क्वेश्चन देखा जाता है साइंस के। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर जैसे दिया है आप लोग इसको जो है वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जितने भी पॉइंट हो मैं इसको अच्छे प्रकार से समझाऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी कि ए है, फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रकाश पड़ने से पारदर्शी फिल्म का काला पड़ जाना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, फोटोग्राफी फिल्म पर प्रकाश पड़ने से पारदर्शी फिल्म का काला पड़ जाना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है, क्लियर है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से डिटेल से जानकारी ले लिए हैं, तो इसको आप पीछे जाके अच्छे प्रकार समझ लीजिएगा ताकि एग्जांपल्स जो मैं ये बता रहा हूँ ये अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए बी है हमारा, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर झाग निकलना ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, तो दोस्तों इसका जवाब, इसका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर झाग निकलना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पटाखे को भूमि पर पटकने से विस्फोट होना ये हमारा कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। पटाखे को भूमि पर पटकने से विस्फोट होना हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्यों, क्योंकि अगर हम ज़मीन पर पटाखे को पटकते हैं तो विस्फोट होता है, तो पुनः वो पटाखा थोड़ी ना बन जाएगा, ये डिफिनेशन मैंने अच्छे प्रकार से बताया है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये रासायनिक परिवर्तन है, क्लियर। अब यहाँ देखिए डी नंबर है, गर्म जल में रखने पर थर्मामीटर में पारे का चढ़ना ये हमारा कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है
कि भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा भौतिक परिवर्तन है। गर्म जल में रखने पर थर्मामीटर में पारे का चढ़ना भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि गर्म जल में थर्मामीटर को रखेंगे, पारा चढ़ेगा और फिर पारा वो मतलब जो वो फिर जो है हमारा क्या होगा, थर्मामीटर उतर जाएगा और जो कहते हैं वैसे फिर आ जाएगा, मतलब अपने जैसा है वैसे फिर से दोबारा वो बन जाएगा। यही मैंने डिफिनेशन में अच्छी प्रकार से बताया है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? अभी हम देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लोहे की छड़ पर चुंबक घिसने से छड़ का चुंबकित हो जाना ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो हम कह सकते हैं ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं जिसे जीके में पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए, लोहे की छड़ पर चुंबक घिसने से छड़ का चुंबकित हो जाना भौतिक परिवर्तन है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, टार्च के उपयोग करने पर कुछ दिनों में विद्युत सेल का निष्क्रिय हो जाना ये हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन है। टार्च के उपयोग करने पर कुछ दिनों में विद्युत सेल का निष्क्रिय हो जाना रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दही मिलाने पर दूध का दही बन जाना ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन है। दही से मिलाने पर दूध का दही बन जाना रासायनिक परिवर्तन है। कहने का मतलब ये है, दूध से जो भी मटेरियल बनेगा वो सभी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नींबू डालने पर दूध का फटना, नींबू डालने पर दूध का फटना ये कैसा परिवर्तन है, किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन है। नींबू डालने पर दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।